वेलकम एवरी वन. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.6. ओके सो इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. बराबर. सो वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम देने वाले रहते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रहेगा और इसके बाद दो तीन वीडियोज़ और बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चन लिख के रखा है ऑलरेडी. पहला क्वेश्चन है जो 2.6 का फर्स्ट सम और सेकेंड सम, यही दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाले सम्स हैं. तो सबसे पहले जो सबसे पहला सम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पता है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक ही बार में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ देते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है, अगर आप कोई भी, जैसे कोई भी इक्वेशन या कोई भी चीज़ क्यों ना दिया हो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना दिया हो, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार में ही पढ़ देते हो तो मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझेगा उस क्वेश्चन से. ठीक है, तो क्या करना है, ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव ये है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो. बराबर. ठीक है, सो सबसे पहले इधर जो क्वेश्चन है इसको मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज. बराबर, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो प्रगति के एज का क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन दिया है. अब देखते हैं कैसे दिया है. बराबर. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years ago. ठीक है, 2 years ago मतलब 2 साल पहले. ठीक है, जो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, ठीक है, उसका एज दिया है क्या, 2 साल पहले का. ठीक है, एक कंडीशन है क्या, इधर लिख देता हूँ 2 years before. बराबर, 2 साल पहले का. ठीक है, और क्या दिया है, एंड 3 years hence is 84. तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 years hence. ना आपको दिखा क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 years before and 3 years hence, राइट. यही चीज़ दिया है और क्या बोला है, कितना है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है, बोला था प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years ago and 3 years hence is 84. बराबर है, तो हो गया हमारा कंडीशन. नाउ जब कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है, अगर उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो पूरा आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर तोड़ के नहीं पढ़े तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्या, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझेगा. ठीक है, सो मैं बोलता हूँ चलो, सबसे पहले मेरा सबसे पहला मेजर काम था, मैंने बोल दिया कि जो भी प्रगति का प्रेजेंट एज है, अभी का जो एज है वो मैंने पकड़ लिया क्या, एक्स. ठीक है, तो मैंने बोल दिया लेट प्रगतिस प्रेजेंट एज, क्या बोल दिया मैंने इसका, प्रगति का जो भी प्रेजेंट एज है वो क्या बोल दिया, बी एक्स ईयर्स. बराबर, कितना ईयर्स है अभी, एक्स ईयर्स. जो भी प्रगति का एज है अभी का क्या है, एक्स ईयर्स है. तो 2 साल पहले क्या होगा, अगर मान लो अभी वो 10 साल की है तो 2 साल पहले कितना होगा, 10 माइनस 2 मतलब 8 साल की हो जाएगी वो. ठीक है, तो ये देखो पहले क्या दिया था, 2 years before, तो मैं बोल देता हूँ प्रगतिस एज 2 years before क्या हो जाएगा वो, अगर आज उसका एक्स ईयर्स है तो 2 years before क्या हो जाएगा, x-2 रहेगी नहीं. अगर आज वो 10 साल की है तो 2 साल पहले उसका एज कितना था, 8 साल था. 8 साल मतलब 10-2 कितना, 8 ही होगा. बराबर. ठीक है, ये पहला था. ठीक है, दूसरा मैं बोल देता हूँ प्रगतिस एज 3 years hence, 3 साल बाद उसका एज कितना होगा, अगर आज वो 10 साल की है तो 3 साल बाद कितना होगा उसका एज, x+3. बराबर, या फिर आज 10 साल की है तो 3 साल बाद उसका एज होगा 13 साल. बराबर, मतलब यहाँ पर आएगा x+3. बराबर है. उसके बाद मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन हमको दिया है, क्या बोला था, 2 साल पहले का एज उसका और
तीन साल बाद के एज का प्रोडक्ट कितना है 84, इधर लिखा है ना 2 इयर्स बिफोर और 3 इयर्स हैंस, इसका प्रोडक्ट कितना है 84। तो हमको क्या मिला, हमको मिला x माइनस 2 बराबर और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 84। नाउ यही तक तो मेजर काम था, पूरा का पूरा समझने वाला काम कहाँ तक था, यहाँ तक था। उसके बाद तो सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये x को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x लिखा और x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। ये माइनस 2 को भी पूरे ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 84 बराबर है, सब जगह देयरफॉर साइन डाल देंगे। तो ये x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3x हो गया, ठीक है। ये हो गया माइनस 2x बराबर और ये माइनस 6 इज इक्वल्स टू 84। माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, और माइनस और प्लस में क्या बड़ा है, माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो माइनस का माइनस साइन, ठीक है। अभी क्या होगा, देयरफॉर मैं बोलता हूँ x स्क्वायर, ये देखो प्लस 3x माइनस 2x है कि नहीं, ये प्लस 3x है और माइनस 2 है, मतलब 3 में से 2 को घटाना है, तो जैसे 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या बच गया, 1x बचा। तो 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था माइनस 6, ये 84 उधर है, जब इधर लोगे तो वो भी किस में हो जाएगा, माइनस 84, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस 6 और माइनस 84 मिल के माइनस 9090 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सिंपल है। ये क्या है, 90 है बराबर ना, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चेक करेंगे हम लोग, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना था, जो भी ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और जो कांस्टेंट नंबर था, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 90, 1 इधर है और इधर क्या है 90, तो माइनस 90 बराबर। उसके बाद क्या है, इसको क्या निकालना है, इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए, जब आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 90 आएगा, और प्लस और माइनस करो तो क्या आना चाहिए, इधर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, प्लस 1। तो अभी देखो 90 कौन से टेबल में आता है, कौन से नंबर के, तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि 90 के लिए मैं लिख देता हूँ 10 9 90, ठीक है। मिडल साइन कौन सा है, प्लस, तो बड़े नंबर को मैंने प्लस साइन दे दिया, इसको माइनस साइन दे दिया, सिंपल बराबर। तो अभी इसको मैं इधर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन जो था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, इसके जगह पे क्या लिख दिया, 10x माइनस 9x बराबर। ये दोनों को अंडरलाइन किया, ये दोनों को अंडरलाइन किया, बराबर है, इधर 90 था, ओके। तो जब ये दोनों को अंडरलाइन किया तो इधर क्या कॉमन आया, x और x प्लस 10 ब्रैकेट में, इधर क्या कॉमन आ सकता है, 9 आ जाएगा और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा, अभी एक बार x प्लस 10 को लिखूंगा और एक बार x माइनस 9 को इज इक्वल्स टू 0 बराबर। तो अभी क्या हो जाएगा, x प्लस 10 0 है और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी हम लोग फाइंड कर रहे थे, ये क्या फाइंड कर रहे हैं, एज फाइंड कर रहे हैं, राइट, ये प्रगति है, इसका एज फाइंड कर रहे हैं। तो एज क्या कभी भी माइनस में होगा, एज कभी भी माइनस में होता है क्या, एज कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब कभी भी हम लोग लिख देंगे इधर एज, ये फाइनल है, इधर से इधर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर प्रगतिज एज इज, प्रगतिज प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज क्या आया, 9 years, ठीक है। अभी हमको क्या बोला था, फाइंड हर प्रेजेंट एज, राइट, तो प्रेजेंट एज ही फाइंड कर लिया हमने, प्रगति का प्रेजेंट एज कितना आया, 9 साल आया। और ये कैसे आया, हमने क्या किया था, सबसे पहले अज्यूम किया कि उसका जो भी प्रेजेंट एज है वो क्या है, x। देखो x के दो वैल्यू आए हमारे पास सॉल्व करने के बाद, एक माइनस में आया और दूसरा प्लस में आया,
बराबर, लेकिन एज कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब कभी भी एज माइनस में नहीं होगा मतलब जो भी प्लस वाला आया है वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी सेकंड क्वेश्चन है अभी ये क्या बोलता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है जो कि हमारे बुक में दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ये इवन वर्ड हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट इट इज़ गिवन इन योर गाइड, गाइड बुक में हमको यहाँ पर इवन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बुक बना था बहुत ही जल्दी बना था, इसके लिए मिस्टेक्स भी हैं इसमें। नाइन्थ स्टैंडर्ड के भी बुक में जैसे एक का मिस्टेक्स थे, वैसे टेंथ स्टैंडर्ड के भी बुक में मिस्टेक्स है। ठीक है, तो अभी बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244। अच्छा, ऐसे पढ़ूँ एक ही बार में तो समझ में आया कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, सम। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस, बराबर है, ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, जो भी सम है और जो भी नंबर्स है इनके क्या, स्क्वायर्स, बराबर है, जो भी नंबर्स आने वाले हैं उनके क्या होने वाले हैं, स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या, इवन नंबर्स क्या होते हैं, दो हो गया, दो के बाद क्या, एक छोड़ के चार, ठीक है, चार के बाद एक वापस छोड़ो उसके बाद वाला नंबर छः, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on। ठीक है, तो क्या है, इवन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे मान लो सबसे पहला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा वाला इवन नंबर। ठीक है, अगर पहला इवन नंबर 2 है तो उसके बाद वाला कौन सा होगा, 4, बराबर है। ठीक है, पहला अगर क्या है, x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, समझ में आ रहा है। अगर पहला आपने क्या लिया है, 2 लिया है, तो उसका नेक्स्ट वाला इवन नंबर कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने मान लिया कि जो मेरा पहला इवन नंबर है वो क्या है, x। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, बराबर। तो बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। इन दोनों का जो सम ऑफ द स्क्वायर्स है ये कितना है, 244 है। तो हमको ये नंबर दोनों फाइंड करने हैं, याद रखना है क्या फाइंड करना है, x और x प्लस 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्या करना है हमको, सिंपली सबसे पहले लिख देना है लेट द टू इवन नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 2, बराबर है, जो भी इवन नेचुरल नंबर्स है उसको क्या बोल दिया, x और x प्लस 2। ठीक है, देयरफोर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देयरफोर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या बोला था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तो सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244, बराबर है। अभी बहुत सारे बच्चे लोग इधर क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे इसका तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ गया, अभी ये एक्स प्लस 2 का द होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब कभी भी द होल स्क्वायर आता है मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, इधर सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मैं बोल देता हूँ x है, और b का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर, a क्या है अपना x, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2 into a करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2, 2 जा 4, तो 4x हो गया, बराबर है, 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 244, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये इसका रीज़न हो जाएगा कि आपने ये कैसे किया। ठीक है, इस ब्रैकेट को, इसका ढक्कन कैसे हटाया, तो ये उसका रीज़न, बराबर। देयरफॉर उसके आगे मैं बोलूँगा, ये देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 4x प्लस 4, ये 244 को इधर ले लो तो माइनस 244 हो गया इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। देयरफॉर मैं इधर लिखूंगा
2x² + 4x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -240 = 0। बराबर है, कैसे हो गया ये -244 और +4 है, तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को कम कर दिया, मीन्स 244 में से 4 को माइनस करना पड़ा मुझे और कुछ नहीं। ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, और ये भी कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या मिलेगा मुझे x² + 2x, बराबर x² + 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 0, बराबर है, तो मुझे ये मिला, ये इक्वेशन मिला। नाउ अगेन क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जब कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या किया हमने, x² के कोएफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई किया, 120 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर मेरा 120 ही मिला। अब 120 को क्या करना है, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो जब कभी भी देखो क्या आ जाएगा इधर, 12 टेंजा कितना होता है, हाँ 12 टेंजा मैं लिख दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 12, बराबर है। तो जब कभी इधर देखो, जो मिडल वाला साइन क्या है, प्लस, तो बड़े नंबर को कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, बराबर, और छोटे वाले नंबर को माइनस साइन, ठीक है। तो अभी ये जो इक्वेशन है x², अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10x + 12x - 120 = 0, ये दोनों अंडरलाइन करने हैं, ये दोनों अंडरलाइन करने हैं, और क्या करना है, जो भी है कॉमन बाहर निकाल दो, तो x और x माइनस 10 आया बाहर, इधर -12 आ जाएगा और इधर भी बचेगा, एक मिनट, इधर आएगा +12, तो बचेगा इधर x - 10 = 0, ठीक है। अभी देखो x - 10 को एक बार लिखूंगा, और ये x और x + 12 को एक बार लिखूंगा, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आइदर x - 10 = 0 या x - 10 = 0 है, और x + 12 = 0, देयरफोर आई कैन से दैट x = यहाँ से अगर देखोगे तो x = 10 होगा, या फिर x = -12, बराबर है। बट एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव में होते हैं क्या, तो नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो जब कोई भी नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में नहीं होंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, इधर नेचुरल नंबर्स कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है, देयरफोर x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया अपना 10, बराबर, देयरफोर x + 2 का वैल्यू कितना आया, 12, बराबर है, मतलब 10 + 2 कितना हो जाएगा, लिख लो भाई 10 + 2 = 12, बराबर, देयरफोर ऐसे लिख देंगे द टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, द टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 10 एंड 12, सही है, बराबर। नाउ इसमें क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी आप सॉल्व करोगे तो याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा साइड बना लेना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क करने वाले हो, क्या करने वाले हो, सिर्फ रफ वर्क, ठीक है, और वो रफ वर्क क्या था, जो छोटा छोटा हमने किया ना, ये सब इधर, ठीक है, और किधर गया, किधर गया, इधर जो हमने निकाला, ये सब हमारा रफ वर्क है, ठीक है, बाकी ये सब लिखना तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कैसे लिखना है ये भी पता चल जाएगा, वो इक्वेशन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब पता चल जाएगा, बट फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि अपना रफ वर्क कितना परफेक्ट है, ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में वो लोग रफ वर्क भी चेक करते हैं, ठीक है, कि हाँ जो भी रफ वर्क कर रहे हो क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मेन क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है ना उसमें मिस्टेक होता है, बट साइड में जो रफ कॉलम बनाया था ना मैथ्स के लिए, तो उसमें राइट किया है, तो टीचर क्या करती है, रफ कॉलम को चेक करके एटलीस्ट 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स दे देती है, क्यों, क्योंकि बोर्ड में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो होता है प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि आप मेन क्वेश्चन में उसको प्रॉपरली लिखना भूल जाते हो, बट आपने क्या किया है, साइड में अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो वो प्लस पॉइंट होता है, दैट इज़ द रीज़न मैं बोलता हूँ कि क्या करो, एक रफ कॉलम साइड में ही बना के रखो, ठीक है, हर क्वेश्चन का साइड में रफ कॉलम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, टिल देन जस्ट मेक प्रॉपर नोट्स और ये समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।